नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन जाकर हम कैसे चेक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र, और वहाँ पर दोस्तों हम पीएम किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल साइट है उसे हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल साइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देंगे, आपको चाहिए तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने ऑफिशियल साइट का लिंक ओपन कर लिया है। लिंक ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अभी यहां पर दोस्तों मेन पेज पर दिखे कुछ केवाईसी से संबंधित नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है दोस्तों कि ई केवाईसी जो आधार ओटीपी के थ्रू हो रहा था वो फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अगर आपको दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का ई केवाईसी कराना है, उसके लिए दोस्तों आपको नियर सीएससी सेंटर विजिट करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप थंब के थ्रू आपका केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हमारा अभी फ़िलहाल जो पेमेंट स्टेटस है उसे देख लेते हैं। पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर पर बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, हमें हमारा पेमेंट स्टेटस जानने के लिए इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। दोस्तों जैसे ही हम बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा पेमेंट स्टेटस जानने के लिए हमारा अकाउंट नंबर या आधार नंबर फिल करना होता है। तो चलते दोस्तों हम यहाँ पर हमारा आधार नंबर फिल कर लेते हैं। अगर आपको चाहिए तो दोस्तों आप यहां पर अपना अकाउंट नंबर भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अकाउंट नंबर या आधार नंबर फिल करने के बाद गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पेमेंट स्टेटस ओपन होकर आ जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने यहां पर आधार नंबर फिल कर लिया है, अभी दोस्तों हम गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए जो हमारा स्टेटस है वो ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर देखिए हमारा पूरा डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, जैसा कि हमारा नाम, एड्रेस और आधार स्टेटस भी यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा आधार स्टेटस में आधार नंबर इज़ वेरीफाइड, मतलब कि दोस्तों हमारा KYC भी सक्सेसफुल हुआ है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा कितना इंस्टॉलमेंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर वो सब इंस्टॉलमेंट का डिटेल भी विथ UTR नंबर भी यहाँ पर शो कर रहा है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया है 3 जनवरी 2020 को आया है, और नीचे देखिए UTR नंबर भी लिखा हुआ है दोस्तों। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी उसी तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 जनवरी 2020 को, मतलब कि दोस्तों हमारा जितना भी इंस्टॉलमेंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है विथ UTR नंबर यहाँ पर सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप चाहिए तो आप खुद जो है इस तरीके से अपना जो पेमेंट स्टेटस है उसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमारा जो 10 इंस्टॉलमेंट में से टोटल 10th इंस्टॉलमेंट तक का पूरा क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, फिलहाल हमारा कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग नहीं दिखा रहा है और KYC भी पूरा सक्सेसफुल दिखा रहा है, मतलब कि दोस्तों हमारा पेमेंट आ चुका है। इस तरीके से आप भी अपना पेमेंट स्टेटस आसानी से अपने मोबाइल या PC के द्वारा घर बैठे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।